Did you know, friends, which is the best and biggest mall in Delhi? Hey friends, welcome back to my channel एक पहल भाई शोभना। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। फिर मैं नई दिल्ली के साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल की आपको विजिट करवाती हूँ। आप यहाँ पर महंगे से महंगे कितने कॉस्टली आइटम खरीद सकते हैं। शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों, दिल्ली में आजकल ह्यूमिडिटी वाली बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, बाहर घूमना इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपका आउटिंग के लिए मन कर रहा है और मॉल में घूमना आपको पसंद है तो दिल्ली के बेस्ट एंड बिगेस्ट साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल में आ जाइए। आप जितना चाहें इतना टाइम यहाँ पर रह के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जो टेस्टी मील लिखा है ना, 99 लोएस्ट प्राइस है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप लेंगे वो 100 प्लस जाएगा। जब ऐसी जगह पे हम देखते हैं कि एक कप चाय या कॉफ़ी की जो कीमत है वो लिमिटलेस हो जाती है, 100 रुपये से ऊपर 100, 200, 300, 400 कुछ भी होती है, तो अनफेयर लगता है। मैं मानती हूँ दोस्तों कि खाने पीने तक तो बात ठीक है, लेकिन एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी की कीमत क्या इतनी ज़्यादा होनी चाहिए? क्या फ़ायदा इतने बड़े मॉल का जहाँ एक कप चाय के लिए भी सोचना पड़े। यहाँ मैंने देखा कि अपने मेकअप किट में जो सबसे छोटा हल्का आइटम होता है उसको मैं लाइनर मानती हूँ, उसकी कीमत भी यहाँ 1000 से स्टार्ट होती है। नई दिल्ली के साकेत के इस सेलेक्ट सिटी मॉल में आपको फॉरेन कंट्रीज़ के भी बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे और अपने कंट्री के तो यहाँ पर है ही शोरूम। दिल्ली वाले मेरे दोस्त तो यहाँ पर मेट्रो से भी आ सकते हैं। साकेत मेट्रो स्टेशन यहाँ से काफ़ी पास पड़ेगा, उसके बाद आप ऑटो लेके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट टू कम बाई योर ओन व्हीकल देन पार्किंग इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिक। मैंने कुछ ही आइटम के टैग देखे थे, काफ़ी कॉस्टली थे। जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रांडेड चीज़ें मॉल में महंगी ही मिलती है। मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, इस वजह से कीमत वगैरह का ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं बता पाऊँगी। 3 से 4 घंटे यहाँ स्पेंड कर सकते हैं और मूवी देख सकते हैं। मूवी यहाँ का जो थिएटर है उसकी सीट है बहुत ही कम्फर्टेबल है, आप लेट के बैठ के बिल्कुल घर के जैसे कम्फर्ट में मूवी देख सकते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मूवी देखूं या फिर मॉल देखूं। मैंने सोचा कि मूवी तो हम घर में टीवी पे भी देख सकते हैं, इसलिए मैं मॉल में फर्स्ट टाइम ही गई थी तो मैंने सोचा पहले यहाँ का चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ। यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे बहुत अच्छा बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है, आपको अपनी चॉइस का खाना पीना मिल जाएगा। है थोड़ा सा कॉस्टली लेकिन काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, अंदर का हाल तो आपने देख लिया, चलिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो बाहर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाना पीना मिलेगा, बच्चों के लिए राइड्स एंड गेम्स मिलेंगे और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर व्हील चेयर की फैसिलिटी भी है, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं मॉल में घूमने के लिए और बाहर की साइड घूमने के लिए भी। और ये सुविधा काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने देखा है कि मॉल तो बहुत बड़ा है, जिनके पैर ठीक ठाक होते हैं वो भी चलते फिरते यहाँ थक जाएंगे अगर आपको पूरा मॉल देखना है तो। कितने की राइड अभी है इसकी, कितना टाइम? 6 मिनट। बच्चों के लिए राइड है 6 मिनट की 200। इसमें तो हम भी बैठ सकते हैं ना। हमारी ये ट्रेन तो छूट गई लेकिन नेक्स्ट वाली में हम राइड कर सकते हैं। 200 रुपया लगेगा एक सवारी का। दोस्तों, सेलेक्ट सिटी मॉल जो दिल्ली में साकेत में है, बहुत बड़ा मॉल है। मैं घूमते घूमते थक गई हूँ और वैसे भी बैठने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ काफ़ी कुछ देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़िए और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो वीडियो को लेके, इस जगह को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।